तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को और आपके अपने YouTube चैनल किसान चेतना YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, पुनः आज हम फिर एक बार मानपुर गांव में आए हैं और एक हमारे किसान भाई हैं, आपको हमने इनकी पहले भी और आज हम इनके देखो, उन्होंने एक घर में ही अपने नई वेराइटी बो रखी है 14201। देखो मैंने अभी तक ये वेराइटी नहीं देखी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, जानकारी लेंगे पूरी इनसे। देखो इनके ये इधर लेजर और टीलर है, लेजर ये गोल काटने वाला। देखो जी पूरी जानकारी लेंगे इनसे, कहाँ से लेकर आए थे बीज, ये देखो इनको इधर कुट्टी काटने की मशीन है, ये पूरी जानकारी लेंगे इनसे। देखो इनकी बुग्गी है, देखो चल। राम राम जी। राम राम भैया। राम राम भैया। और जी ठीक ठाक हो? बढ़िया भैया बढ़िया। तो जी मैं सबसे पहले आपका परिचय लेना चाहूँगा, आपका नाम? मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। मेरा नाम विजय सिंह, गांव मानपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर, यूपी। अच्छा, तो जी ये बताओ, मैंने अभी तक जिला बिजनौर में ये वैरायटी नहीं देखी, कौन सी वैरायटी जी है? ये है भैया 14201। 14201। तो जी कहाँ से लाए थे बीज इसका? लखीमपुर खीरी से लाए थे, कई सारे आदमी गए थे, 50 आंख लाया था। अच्छा 50 आंख। तो आपने इसकी बुआई कब? 10 रुपए आंख मिली थी। 10 रुपए आंख। अच्छा जी, तो बुआई कब करी जी इसकी? ये बुआई 2 मई को बो दिया था, ये वैसे तो ये 5-6 दिन लेट हो गया था भैया। अच्छा। सूर्य कुछ गए, कटा पड़ा था उसके पास गन्ना जी। हाँ, उसने वो आँख गिन का हमें गन्ना ही दे दिया था पूरा। अच्छा। हाँ, तो वो गन्ना ही ले आए थे हम जी। तो ये 50 आँख थी, हमने लगभग लगभग 200 गन्ने हो गए थे ये जी। हाँ, तो आगे को आपका बीज हो जाएगा? बीज हो पाएगा भैया। और इसे हमने घर में इसे बोया था, एक तो थोड़ा सामान था जी, दूसरा हमने मगर दवाई न लगा के इसका अनुभव करते कैसा रहेगा। हाँ सही बात, दवाई वगैरह किसी कोई इस्तेमाल नहीं इसमें कुछ। जब आपने बुआई करी दवाई लगाई? कुछ थोड़ा सा डाया डाला था। डाया डाला था। हाँ डाया डाला था। किसान भाइयों मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखो 14201 वैरायटी ये है, मैंने अभी तक वैरायटी नहीं देखी है, बहुत ही अच्छी। तो इसकी चौड़ाई ये कितनी रखी इसकी? ये तो भैया अंदाज से बोली, अंदाज से ही बोली थी। 3 फीट तो है। 3 फीट तो होगी लगभग। 3 फीट है, वैसे फावले से दाब दी थी, फावले से दाब दी थी। 3 फीट है। किसान भाइयों नहीं, देखो हाइट कितनी बढ़िया हुई। कब बुआई करी थी जी? ये 2 मई को करी। 2 मई को करी थी उन्होंने बुआई इसकी। जब ये कच्ची था, ये आंख लगाई थी हमने इसमें काट कर जी, तो थोड़ा सा डाय डाल देता था। अच्छा डाय डाल देता। बहुत ही अच्छी, देखो किसान भाइयों ग्रोथ कर रहा है गन्ना, ये अभी तो इनका बीज हो ही जाएगा। हाँ हाँ, बीज तो इसमें हो जाएगा, बतेरा बीज हो जाएगा। जोनाल के साथ है वो, उसी दिन जोनाल बोई थी हमने आगे जी, जब ही हो गई थी। अच्छा, बहुत ही अच्छी जानकारी दी, देखो ताऊ जी ने हमारे, बहुत ही बढ़िया गन्ना हुआ है किसान भाइयों। देखो ये अच्छी जानकारी दी है पिछली वीडियो में, देखो आप मोटाई देखो किसान भाइयों कितनी मोटाई हुई है गन्ने की, बहुत ही अच्छा गन्ने की मोटाई हो रही है गन्ने की। नई वैरायटी है 14201। हमारे किसान भाई ने इधर चंदन के पेड़ भी लगा रखे हैं अपने घर में ही, देखो इनकी जानकारी लेंगे। तो ये कब, ये पेड़ कब का था ये सामने वाला? भाई ये वाला पेड़ जो है ये अगस्त में लगाया था, 3 साल अगस्त में बीज गया, ये अगस्त का महीना बीज गया। अच्छा। हाँ, ये अगस्त में लगाया था। अगस्त में लगा। ये जो और पेड़ वगैरह ये है ये मार्च में लगाए थे। अच्छा, ये मार्च में, ये जो और पेड़ खड़े हैं ये मार्च में लगाए थे, लगभग 42 पेड़ मेरे पास। अच्छा, चंदन के? चंदन के 42। तो कहाँ से लाए थे जी ये? मैं तो कानपुर से लाया था। अच्छा, लॉकडाउन में लाया था, बड़ा खतरों का काम था वहाँ जाना, लॉकडाउन पूरी सड़क सुननी पड़ी थी जब लाया था जी। अच्छा, तो ये लगभग 400 रुपए की पौध मिली थी मुझे। 400 की? हाँ। अच्छा किसान भाई देखो चंदन दुर्लभ जाती है भाई, बहुत ही अच्छा करके देखा, कीमती लकड़ी, इस वजह से घर में अंदर लगा रखी जी। सही बात है। हाँ, बहुत महंगी लकड़ी, महंगी लकड़ी, दुर्लभ जाती है भाई। ये तो पता नहीं आके किसानों ने पहले क्यों नहीं लगाई थी जी। ये तो बहुत अच्छा आमदनी का स्रोत, तो बहुत बड़ा। अच्छा, आने वाले पूर्वजों को या तो हमारी पौध की जानकारी नहीं थी जी। ये इसकी एक विशेषता और, ये पौधा परजीवी पौधा। अच्छा, ये अगर हम सिंगल लगा दें जी तो ये पौधा नहीं होने का। अच्छा, परजीवी, दूसरा आश्रित। हाँ, दूसरा आश्रित। हाँ, अच्छा, तो ये इसे हम हाउस प्लांट देना पड़ेगा, इसके बराबर में दूसरा पेड़ हमें देना पड़ेगा तब ये पेड़ चलेगा जी। तो मैं कानपुर से एक बेल लाया था। अच्छा, जो बेल हमारे यहाँ खड़ी लाल रंग की बेल, उन्होंने दी थी नर्सरी वालों ने। देखो किसान भाई वो, हाँ ये लाया था बेल। अच्छा, तो ये 2-3 साल का तो कर दिए ये बेल जी। और अब हम इसे 12 मासी तोर या नीम का पेड़, नीम का पेड़ अगर इसे दिया जाए तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाती है, ग्रोथ बढ़िया बढ़ती। हाँ नहीं, अच्छा, कीमत क्वालिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, क्वालिटी बढ़ जाएगी। हाँ, अच्छा इसकी और मार्केट में और महंगा जाएगा अगर इसे हम नीम का वो देंगे, मदद देंगे, नीम से अपनी खुराक लेगा जी। देखो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं, देखो इन्होंने इधर ही वैरायटी वो रखी है, मैंने इसकी अभी जानकारी दी आपको, और इधर इन्होंने घर में ही अपने चंदन की लकड़ी का, और ताऊ जी और भी कुछ और पेड़ भी लगा रखे, सागौन कुछ? सागौन के का पेड़ भैया, सागौन के लगभग 280 पेड़ है मेरे पास, सागौन के 280 पेड़। अच्छा, और लगभग लगभग तैयार है जी, और अभी कटवाने के लिए और अभी रुकेंगे। अच्छा, 2-4 साल
हाँ हाँ अभी 4-5 साल और रुकेंगे, वो तो बहुत ही महंगा है, हर किसान को लगा लेना चाहिए सागौन। हाँ सागौन हर किसान को लगा लेना चाहिए, ये हमारी साइड बिजनेस है जी। दो रोटी तो हम जो हमारे पूर्वज की दी हुई जमीन इसी में मिल जाएगी, लेकिन जो हम आने वाली संतान का हम भविष्य सुधारना है तो हम साइड में कोई ना कोई बिजनेस करनी पड़ेगी। जैसे मान लिया मैंने चंदनी लगाए, ये सागौन ये कम से कम मेरा रिटायरमेंट तो है जी। सही बात, सही है। हम शुद्ध किसान है, प्योर किसान है हम, तो अब नौकरी हम अभी पेंशन तो मिलने की नहीं, तो हमारे रिटायरमेंट हमारे बच्चों का काम आएगा। हाँ सही बात। तो जी ये पेड़ कहाँ का है? ये पेड़ है वो नहीं 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 उसका हाँ क्या का पेड़ था? चीकू का पेड़। चीकू, चीकू का पेड़, चीकू का पेड़ है भैया। और वो 1 kg अमरूद। अच्छा 1 kg अमरूद जो 1 kg वाला वो जो आते आते 100 ग्राम का तो आते ही करीब जी। हाँ नहीं इतना मोटा कहाँ आता शुरू में, 100 ग्राम की तो कली आती बनती है। किसान भाइयों हमारे किसान भाई की ये वैरायटी आपको कैसी लगी 14 दोस्त से कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। अच्छा सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम।